स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं भरवा बैंगन की सब्जी। भरवा बैंगन की सब्जी को आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस रेसिपी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना देर के बनाना शुरू करते हैं भरवा बैंगन की सब्जी। भरवा बैंगन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेने हैं बैंगन। मैंने यहाँ पे ये लगभग 300 ग्राम के आसपास बैंगन लिए हैं। और भरवा बैंगन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हमें सुखा लेना है, या फिर आप किसी साफ कपड़े से बैंगन को पोंछ सकते हैं। बैंगन में पानी नहीं रहना चाहिए। बैंगन को धोने के बाद अब हमें यहाँ पे बैंगन को काटना है। तो बैंगन का जो डंठल वाला पार्ट है उसे हमें इस तरीके से अलग कर लेना है। फिर हम बैंगन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से चार टुकड़ों में काट लेंगे। लेकिन ध्यान दें, हमें यहाँ पर बैंगन का जो थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है उसे यहाँ पे इस तरीके से काटना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे बैंगन को काट लेना है और उसके बाद हम भरवा बैंगन की सब्जी को बनाना शुरू करेंगे। भरवा बैंगन की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लेना है। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे बैंगन डालने हैं। लेकिन बैंगन को डालते वक्त आप इसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक डालें, नहीं तो जो तेल की छींटे हैं वो हमारे हाथों पे आ सकती हैं। बस अब हमें यहाँ पे बैंगन को फ्राई करना है। तो बैंगन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बैंगन को हमें यहाँ पे इस तरीके से चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट के आसपास तक, यानी जब तक हमारी बैंगन सॉफ्ट नहीं हो जाती, इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बैंगन को लगभग 4 से 5 मिनट के आसपास तक फ्राई कर लिया है। बैंगन हमारी काफी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इन बैंगन को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और इसका यूज हम बाद में सब्जी में करेंगे। भरवा बैंगन को बनाने के लिए तेल हमारा पहले से गर्म है, तो अब हमें तेल में मिलाना है जीरा। तो ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा मिलाया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमें यहाँ पे इस प्याज को भूनना है, तो प्याज को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए प्याज को हमें यहाँ पे हल्का सा सुनहरा कलर का होने तक प्याज को भून लेना है। लेकिन ध्यान दें, प्याज को आप बीच बीच में चलाते जरूर रहें। तो प्याज हमारा हल्का सा भून चुका है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है लहसुन। ये 5 से 6 कलियां लहसुन के लिए है, कद्दूकस की हुई। फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लहसुन और अदरक को प्याज के साथ मिक्स करना है और मिक्स करते हुए लहसुन और अदरक को हम धीमी आंच पे 1 से 1.5 मिनट के आसपास तक भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक को धीमी आंच पे थोड़ी देर भून लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलानी है टमाटर की प्यूरी। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसकी मैंने प्यूरी तैयार की है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे ये 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाना है। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे ये 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। नमक मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के आसपास मिलाया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इन सारे मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे हमें थोड़े देर इसे पका लेना है। मैंने यहाँ पे सभी मसालों को प्याज और टमाटर के साथ ढक के थोड़े देर, यानी 2 से 3 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे पका लिए हैं। मसाले हमारे अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे मिलाने हैं फ्राई किए हुए बैंगन। तो मैंने यहाँ पे बैंगन को पहले से फ्राई करके रखा था, आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिलाना है। तो ये लगभग 1/4 कप के आसपास पानी मिलाया है। लेकिन ध्यान दें, एकदम ज्यादा पानी का यूज यहाँ पे आप नहीं करें। अब हम इन सारे मसालों को फ्राई की हुई बैंगन के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे पका लेंगे। आप चाहें तो इसे बीच में 1-2 बार इसका ढक्कन हटा के चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे भरवा बैंगन की सब्जी को ढक के लगभग 5 मिनट के आसपास तक पका लिया है, तो इसका ढक्कन हटा लेंगे और ढक्कन हटाने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो हमारी भरवा बैंगन की सब्जी है लगभग बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है,
इस पानी को सुखाने के लिए इसे हम तेज आंच पे थोड़ी देर और पका लेंगे। मैंने यहाँ पे भरवा बैंगन की सब्जी को लगभग 2 मिनट के आसपास तक तेज आंच पर पका लिया है। ये हमारी भरवा बैंगन की सब्जी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से इस भरवा बैंगन की सब्जी को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा भरवा बैंगन की सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।